भगवान शिव के भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना मोक्ष प्राप्त करने के समान माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष हजारों श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। वर्तमान में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सभी भारतीय नागरिकों को वीजा लेना अनिवार्य होता है। हालांकि आप भारत की सीमा में ही कैलाश मानसरोवर के दर्शन करना चाहते हैं तो आदि कैलाश यात्रा आपके लिए बेहतर विकल्प है। साल 2023 के लिए आदि कैलाश यात्रा शुरू हो चुकी है। देखिए, इस बार हमारी यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है। हमने लगभग 34 ग्रुप में यात्रा प्रारंभ करनी है। इस बार 20 ग्रुप जो है हमारे मानसून से पहले जाएंगे, जुलाई तक जाएंगे, और बचे हुए 14 ग्रुप हमारे अक्टूबर नवम्बर में जाएंगे। आज पहला ग्रुप है, इसमें लगभग 19 व्यक्ति यात्रा के लिए जा रहे हैं। ये काठगोदाम से काठगोदाम का जो लेग है, इसमें 8 दिन की यात्रा है। भगवान शिव के 5 कैलाशों में सुमार आदि कैलाश भारत के उत्तर में स्थित उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों को कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही आदि कैलाश का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रहा है। आदि कैलाश भोलेनाथ का पीर स्थल माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने इस स्थान पर पड़ाव डाला था, जिसके कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र है। साल 2023 की पवित्र आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस यात्रा की जिम्मेदारी कुमाऊं मंडल विकास निगम उठा रहा है। काठगोदाम स्थित TRC से कुमाऊं मंडल विकास निगम के MD विनीत तोमर ने प्रथम दल के 19 यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यात्री इस दौरान कई तीर्थ स्थलों का भी भ्रमण करेंगे, जिनमें नीम करौली आश्रम, चितई गोलू मंदिर और जागेश्वर धाम भी शामिल हैं। आज यहां से प्रारंभ करेंगे, भीमताल हमारा कैंची धाम, चितई और जागेश्वर होते हुए पिथौरागढ़ जाएगी। कल पिथौरागढ़ से धारचूला जाएगी। धारचूला में हमारे मेडिकल और बाकी जो इंटरलाइन परमिट की चीजें होती है वो होना है। उसके बाद फिर गुंजी, नाभिढांग, ओम पर्वत के दर्शन होंगे, आदि कैलाश के दर्शन होंगे। वापसी में जब यात्रा आएगी तो ये हमारी यात्रा चौकोड़ी और पाताल भुवनेश्वर होते हुए भीमताल आएगी, और 8वें दिन भीमताल में सुबह ब्रेकफास्ट कराने के बाद हम उनको रेलवे स्टेशन काठगोदाम में ड्रॉप करेंगे। बता दें कि आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत यात्रा की शुरुआत बीते 4 मई से हो गई है और यह यात्रा 6 जुलाई तक चलेगी। इसके लिए 20 दल बनाए गए हैं। मानसून सीजन में यात्रा को रोका जाएगा, जिसके बाद दोबारा यात्रा अक्टूबर और नवंबर माह में 16 दलों के लिए शुरू की जाएगी। अगर आप भी भविष्य में आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आप इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कुमाऊं मंडल विकास निगम के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।